राजनांद गांव की खुज्जी विधानसभा हमेशा चर्चा में बनी रहती है। हाल ही में पूर्व मंत्री रजिंदर पाल भाटिया ने खुज्जी विधायक छन्नी चंदू साहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि छुरिया विधायक अवैध कब्जाधारी वालों को संरक्षण दे रही है, जिसके कारण करोड़ों की सरकारी जमीन का नुकसान हो रहा है। पूर्व मंत्री भाटिया का यह भी कहना है कि छुरिया नगर में ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है, जिसके चलते कभी भी स्थिति विस्फोट हो सकती है। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी पलटवार किया। जिला प्रवक्ता राहुल तिवारी ने बताया कि खुज्जी विधायक छन्नी चंदू साहू पर पूर्व मंत्री भाटिया द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। कुल मिलाकर भाटिया जी खुद की मानसिक स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं कि कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। ये भाटिया जी के परिवार द्वारा रोका गया है छनबे डिसमिल, जो अभी तक के कई जन लोगों को बोला जा रहा है कि ये अवैध है, वो अवैध है। और खुद भाटिया जी के परिवार, पूर्व मंत्री भाटिया जी के परिवार के लोग छनबे डिसमिल का रोके गए हैं। और अभी पूर्व में एक बहुत बड़ा क्या मकान बनाया गया है, जिसमें NOC भी नहीं लिया गया है नगर पंचायत से, और वहाँ बाइक का शोरूम खुला गया है, वो भी PWD के जगह में है। भाटिया जी को इतना मालूम नहीं खुद का भाई कहाँ क्या क्या बना रहा है और लोगों को दुनिया का बात कर रहा है और जगह जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब हरकत कर रहे हैं। लेकिन भाटिया जी को अपना आप में देखना चाहिए कि मेरा भाई कहाँ कहाँ रुका है। और इसके बगल में भी यहाँ पर अगल बगल में रोमी भाटिया जी का कई ठो मकान जो एकदम अवैध रूप से 5 से 6 जगह है, 1 नंबर वार्ड में है, ये 11-12 नंबर वार्ड में है, 10 नंबर वार्ड में, 9 नंबर वार्ड में है। मैं जगह भी दिखा दूंगा, उसका कोई कागज नहीं है। जो जिसका परिवार रजिंदर पाल सिंह भाटिया का परिवार जो कई जगह रोक के रखा है, आज वो दूसरे के ऊपर इंजाम लगा रहे हैं। खुद अपने गिरबान को देख के मैं इस बात को, जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष था कुछ दिन पहले, तो मैंने भी इस बात को रखा कि भाई इस टाइप से अगर बात आ रहे हैं तो वहाँ मैंने कहा कि इस जगह को भाई अगर शासकीय ज़मीन है तो उसको वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करके एक बढ़िया, चूँकि हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यालय भी नहीं बैठने के लिए, तो वहाँ एक कार्यालय बनाया जाए, ऐसा एक मेरा विधायक जी से सुझाव भी मैंने दिया था कुछ दिन पहले जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष था। आप जब उस जगह का, आपके नेतृत्व में आप जब ब्लॉक अध्यक्ष थे, नगर अध्यक्ष थे और कुछ एडलमैन है आपके बाजू में भी खड़े हैं, शकील को किसी नए एडलमैन है ना जी, तो उस जगह का नाप होने के बाद आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गया है कि आज लगातार वो भाजपा का नेता कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ओछा आरोप लगा रहा है और आप लोग उस जगह को के मामले में दोबारा खामोशी अख्तियार क्यों कर लिए? छनबे डिसमिल मामले में आखिर कब तक निर्णय होंगे उस, कब तक कराओगे? देखिए मेरे हिसाब से तो अभी हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष है ना, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये वाला अतिक्रमण वाला मामला आया तो तुरंत उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जगह छोड़ाया, मतलब उनको अतिक्रमण को हटवाया गया। और मैं चाहता हूँ यदि भाटिया जी द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो उनको तत्काल, वो तो कायदे से एक जनप्रतिनिधि है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको तो बिना बोले भाई जो सरकारी जगह है जो गलत है वो खाली होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो अतिक्रमण है वो हटना चाहिए वहाँ से, छनबे डिसमिल जो जगह बोल रहे हैं वो। और रही बात तो भाटिया जी ने जो आरोप लगाया है छन्नी साहू जी के ऊपर कि ये एक तरफ से अतिक्रमणकारियों को सहयोग कर रही है, तो ये सरासर गलत है। चूँकि एक तरफ भाटिया जी ही खुद बोलते हैं कि आप जो है अतिक्रमण को प्रोत्साहन दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरे तरफ आप ही खुद ये कहते हैं कि विधायक छन्नी साहू जी ने ही नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया है, ऐसा आपका कहना है। तो कुल मिला के आप खुद आपकी अपनी मानसिक स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं।